आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गुन्ना में हैं और गुन्ना में एनजीओ मुहाफिज की तरफ से हॉर्टिकल्चर का एनिमल हस्बेंड्री का कैंप जो है यहाँ पर लगाया गया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ के लोगों को सिखाई गई। तो आइए हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर जो कैंप यहाँ पर लगाया गया तो उस कैंप की वजह से क्या क्या फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा या क्या क्या फ़ायदा लोगों को आगे आने वाले टाइम में मिलने वाला है। तो हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग जुड़े हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम खुर्शीद है। खुर्शीद जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो कैंप आज यहाँ पर लगाया गया तो इस कैंप में क्या क्या आपको सीखने को मिला? सर, बहुत कुछ बातें हमने सीखी जो हमें आज तक कुछ पता नहीं था कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन आज जो ये कैंप यहाँ पे लगा इस वजह से हमें बहुत सारी जानकारी मिली। साहब ने पूरा हमें कंफर्म करके बताया कि क्या कुछ हो रहा है। तो थोड़ा बहुत हमें भी बात बताए कि क्या क्या सीखने को मिला भैया। सर, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली कि ये जो हमारे पेड़ पौधे यहाँ पे ज़्यादातर, तो इनमें बहुत सारी बीमारियाँ हैं। अभी साहब ने अखरोट लाया था ऊपर से, कहीं गए थे ऊपर, वहाँ से एक अखरोट लाया था तो उसमें देखा हमने, उसमें वो काले कीड़े जैसे लगे हुए थे। तो साहब ने बताया इसके लिए कोई ना कोई दवाई हम दे देंगे आपके इधर इलाके में। यानी आप अभी तक अवेयर नहीं थे कि आपके जो पेड़ पौधे हैं या इन पे जो बीमारियां या जो कीड़े इन पे लग जाते हैं, तो आप इनमें अवेयर नहीं थे आखिर किस तरह जो है इनको हटाया जाए यहाँ? नहीं सर, ऐसा हमें पता नहीं। सर, कोई डिपार्टमेंट का बंदा पहले यहाँ पे नहीं आया है ऐसे हमें सिखाने के लिए कि इनमें क्या करना है, कैसे कुछ ये जो फल फ्रूट बनते हैं तो इनमें क्या करना है। जी जी, तो उसके अलावा आगे फर्दर आप इस चीज़ को फिर किस तरह पालन करेंगे? सर, अगर हमें आपकी तरफ से ताउन मिलेगा तो हम अच्छी कोशिश करेंगे कि अच्छे सेब बनेंगे यहाँ पर। अखरोट का भी बहुत, यानी पहले जो सेब वगैरह यहाँ पर बनते थे उससे कितना ज़्यादा फ़ायदा आपको होता था, और जो आज आपने बातें सीखी फर्दर आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा फ़ायदा उनसे होगा? सर, जो आज हमने बातें सीखी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा हमको, लेकिन पहले तो हमें कोई फ़ायदा नहीं था। ये डिपार्टमेंट का कोई यहाँ पर आया, डिपार्टमेंट की तरफ से कभी ऐसे ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर हुए? नहीं सर, यहाँ पे तो पहला प्रोग्राम हमने देखा है इसी साल, और इससे पहले कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम यहाँ पर नहीं हुआ कोई? सर, भी कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं लोगों का क्या कहना है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें सीखने को मिली, और भी लोग इनसे भी बातचीत कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम जाफर है। आपका जो कैंप था यहाँ पर, तो इस कैंप में क्या क्या बातें आपको सीखने को मिली? सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि डोडा एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ा दूर इलाका है, यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से अभी कोई भी नहीं पहुँचा था। आप लोगों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए यहाँ पे, लोगों को अवेयर किया, लोगों को बताया, क्योंकि चूँकि यहाँ के लोग जो है सारे फार्मर्स हैं, इस पे जो है सारा डिपेंड रहता था, लेकिन हमें इतना ही पता था कि पेड़ लगाने हैं, बाकी हम देखते कि फल फ्रूट कब बनेगा। हमें ये ज़्यादा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कैसे उनसे क्या कहना है, ट्रीट करना है, क्या करना है, वक्तन फवक्तन कौन सी खाद डालनी है, कौन सी स्प्रे करनी है। हम पेड़ लगाते थे और लास्ट में देखते थे कि फल नहीं बनता था। तो लिहाजा मैं आप लोगों का जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए यहाँ पे, लोगों को बताया, लोगों को अवेयरनेस थी, क्योंकि हमें इस बारे में जो है कोई पता नहीं। तो हमें जो है आज बहुत कुछ जो है सीखने को मिला। चलो, जो यहाँ पे आए या जो नहीं आए उनको जो है आगे हमने जो है ये बात उन तक पहुँचानी है, क्योंकि अवेयरनेस जो है बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर कोई यहाँ पे जो है ये ज़मींदार सारे तबके उसी से वाबस्ता रखते हैं तो किसी को फ़ायदा होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो काम है डिपार्टमेंट का होता है, हॉर्टिकल्चर का ये काम है कि लोगों को अवेयर करना, ऐसे ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर लगाना, लेकिन आज एनजीओ यहाँ पर आई, एनजीओ की तरफ से प्रोग्राम यहाँ पर हुए, तो क्या कहना चाहोगे आप डिपार्टमेंट को? क्योंकि मेन काम जो है डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट जो अगर चाहे तो लोगों को अवेयर कर सकती है, क्योंकि ज़्यादा उनको इस चीज़ के बारे में पता होता है। तो उन सब के लिए आपका क्या कहना है? देखिए सर, डिपार्टमेंट का ही असल में ये काम होता है, लेकिन मुझे शर्मिंदा हो के ये बात कहनी पड़ती है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस बात की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही है। अगर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का यहाँ पे कोई आता, लोगों को अवेयरनेस करते, बताते कि हाँ जी ऐसे ऐसे करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता, लेकिन उनकी तरफ से जो है आज तक हमें यहाँ पे कोई नहीं दिखा। लिहाजा आपको जो है मैं आपकी जो है पूरी टीम को जो है यहाँ पे मुबारकबाद देता हूँ कि आप जो है बिना बताए, बिना किसी जो है डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखे बगैर ही यहाँ पे जो है आए। मैं तमाम लोगों की तरफ से जो है आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। तो लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट तो ये कहती है कि हम कैंप लगाते हैं, लोगों को अवेयर भी करते हैं, क्या ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर कभी ना कभी कुछ भी होंगी आज से पहले? देखिए सर, मैं आपको बताऊंगा, जब बैक टू विलेज हुआ था, बैक टू विलेज में जो है सारे डिपार्टमेंट जो हमने कभी नहीं देखे थे वो भी पहुँचे थे, लेकिन ऐसी फॉर्मेलिटी करने के लिए आते हैं,
बाकी जो है यहाँ की गरीब जनता की तरफ जो है कोई भी तवज्जो नहीं देता है। जैसे कि आप अभी आए, आपने जो है इलाके का दौरा भी किया, इलाके में देखा भी जो है किस चीज की कमी है, क्या है, कैसा चल रहा है, क्योंकि फार फ्लांग थोड़ा दूर एरिया पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत दूर पड़ता है। तो वैसा जो है हमने आज तक कोई नहीं देखा, डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं देखा कि यहाँ पे आए कैंप लगे, कोई हमने जो है पहली बार जो है हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे देखा है। तो अब आने वाले टाइम में जो जो बातें आज आपने सीखी, तो किस तरह, क्योंकि अभी जैसे बता रहे थे अखरोट में कीड़े होते हैं या पेड़ सेब, हम यहाँ पर सेब तो उसमें भी कीड़े होते हैं, तो लेकिन बहुत सारे खराब यहाँ पर हो जाते हैं, तो आगे फर्दर आप क्या करने वाले हो सकते हैं? देखो सर जी, फर्दर हम यही है कि आज जितने भी यहाँ पे लोग थे खुद सुन रहे थे, क्यों आप ही की जुबान सुन रहे थे कि उससे जो है हमने कैसे बचना है, क्या करना है, किस चीज का इस्तेमाल करना है, कौन सी स्प्रे लेनी है। तो आगे जो है हम आपकी उस गाइडलाइंस पे चलेंगे, आपसे रब्ता रखेंगे, वक्तन फवक्तन जो है स्प्रे करेंगे, खाद जो है डालेंगे। बाकी जो यहाँ पे लोग नहीं आए, मैं उनको भी आपके माध्यम से बताऊंगा, तो वो जो है ऐसे ऐसे गाइडलाइंस पे चले, इंशाल्लाह यहाँ के लोग जो है हर एक जो है फार्मर्स हैं, यानी जमींदारी का काम पेशा रखते हैं, तो वो जो है उससे जो है बहुत ही लाभ उठाए, यानी बहुत फायदा उठाएंगे। तो आप देख सकते हैं क्या कहना है यहाँ के लोगों का, कि जो मेन काम डिपार्टमेंट का होता है, लेकिन डिपार्टमेंट जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, लेकिन यहाँ के लोगों के यहाँ के इलाके में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी, क्योंकि जो यहाँ के ये पेड़ पौधे लगाते हैं या जो जो फल यहाँ पर उगते हैं, प्रॉपर यहाँ पर जो है उनका चेकअप ना होने की वजह से जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाते, जिनकी वजह से नुकसान जो है काफ़ी ज़्यादा उठाना पड़ता है यहाँ के लोगों को। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? خراب گھن روزان کھین تہ ٹس لگان داغ کرہن داغ تو سہ خراب چونکن چونکن دے نش اندر کم لگان تو سہ خراب سون اس کار یہ میو وچو تھی پان تپر علاقہ یوت میو تو یہ سوری ہن اس نش فائدہ کھین تین بغیر ووت نا اس نشن امید بس آج بعد پہ اس نش انتظام سوری کی کرو پن محنت پورا شکریہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کہنا ہے یہاں کے لوگوں کا کی بہت ساری دقتیں یہاں پر ہوا کرتی تھی لیکن آج سے پہلے کوئی یہاں پر نہیں آیا لیکن ہم بھی داد دیتے ہیں جو این جی او محافظ یہاں پر کام کر رہی ہے ان کی طرف سے آج یہ کیمپ یہاں پر لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے اویئرنیس جو ہے یہاں کے لوگوں کو کافی زیادہ ملی جس کی وجہ سے جو ان کے پھل جو خراب ہوتے تھے وہ آنے والے ٹائم میں بالکل ٹھیک ہوں گے کیونکہ بہت ساری دوائیاں بھی ان کو یہاں پر دینے والے ہیں تو امید اور توقع ڈپارٹمنٹ سے بھی ہے وہ بھی اپنا کام پراپر کرے اور ان علاقوں میں پہنچے جہاں پر ضرورت جو ہے کافی زیادہ ہے ان سب چیزوں کی تو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت اور جڑتے رہے اسٹریٹ لائن کے ساتھ